सबसे पहले खबर की बात करेंगे छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में, जहां छत्तीसगढ़ में निगम मंडल और संगठन में नियुक्तियों को लेकर पीसीसी चीफ मोहन मरकाम अपने आवास पर प्रभारी सचिव चंदन यादव के साथ बैठक कर रहे हैं। खबर है कि दोनों के बीच में इससे पहले शनिवार को भी एक गोपनीय बैठक हुई थी। साथ ही बताया जा रहा है कि कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सचिव से मिलकर दावेदारी भी की है। चंदन यादव आज राजीव भवन में वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी करेंगे और संगठन में नियुक्तियों को लेकर राय शुमारी होगी। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ चौरासमता रुपेश गुप्ता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रुपेश, निगम मंडल और संगठन में नियुक्तियों को लेकर मंथन चल रहा है, इसको लेकर कोई अपडेट? देखिए, कोई तारीख नहीं है, क्योंकि इस बारे में जो कांग्रेस के नेता राजनीतिक जवाब देते हैं वो ये होता है कि नियुक्ति प्रक्रियाधीन है और जल्द ही नियुक्ति कर दी जाएगी। तारीख बता पाना उसके मुताबिक इनको नियुक्ति सरकार के 2 साल के कार्यकाल पूरा होने के मौके पर आसपास उसी समय करना था, लेकिन अभी तक वो चीज तय नहीं हो पाई है। इस बीच में चंदन यादव आ चुके हैं, जो लिस्ट पहले से बनी है उस पर चर्चा कर रहे हैं कि इसको कहाँ एडजस्ट किया जा सकता है। निगम मंडल में करीब 200 नाम है, इसके अलावा संगठन का विस्तार होना है, कुछ बड़े लोगों को संगठन से हटाए जाने की भी सूचना है, जो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हमारे पास है। और अभी ये बैठक चल रही है, मोहन मरकाम जो कि प्रदेश अध्यक्ष है, चंदन यादव जो कि प्रभारी सचिव है, वो बैठक ले रहे हैं और संगठन के जो पूर्व महामंत्री रहे हैं वो और मौजूदा मंत्री, ये तमाम लोग उस बैठक में शरीक। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए रुपेश। मुख्यमंत्री रुपेश